एवरीवन नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में पेट कड़क होना किस बात का संकेत देता है, कब पेट कड़क होना नॉर्मल होता है और कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में आपका पेट कड़क हो रहा है तो ये गैस की वजह से हो सकता है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। और ये कड़कपन जो आपको फील होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में, इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर है, मतलब कि 4 से 6 महीने में अगर ये दिक्कत आपको होती है, इसका भी मेन कारण गैस बनना हो सकता है। जैसे पेट हमें फूला फूला सा और टाइट टाइट सा नजर आ सकता है, तो 6 मंथ तक भी ये बिल्कुल प्रॉब्लम नॉर्मल होती है। बस इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो थोड़ा वॉकिंग कर ले या थोड़ा सा रेस्ट कर ले तो ये फिर सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने में। तो 7वें महीने में अगर आपको ये दिक्कत ज्यादा हो रही है, बार बार आपका पेट कड़क हो रहा है, हर 2 घंटे 3 घंटे में बार बार आपका पेट कड़क हो जा रहा है और आपको रुक रुक कर पेन आ रहे हैं, साथ में अगर आपको वाटर लीकेज दिखाई दे रहा है, तो फिर इस टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये प्री मेच्योर डिलीवरी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, घर में 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना चाहिए अगर 7वें महीने में ऐसी दिक्कत हो रही है। अब आते हैं 8वें और 9वें महीने में। तो 8वें 9वें महीने में क्या होता है फ्रेंड्स कि डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी तैयार होना शुरू कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि पेट कड़क होना और पेट कड़क होने के साथ साथ पेन भी आ सकते हैं। जैसे कि अचानक से आपको मरोड़ जैसा दर्द आएगा जो कि शायद हो सकता है 30 मिनट तक भी रह सकता है या फिर आपको 1 से 2 मिनट भी रह सकता है। हर लेडीज में अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, मतलब पेन होता है और पेट अचानक से कड़क हो जाता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने में बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आना स्टार्ट कर देता है। तो जब बच्चा गर्भ में अपनी पोजीशन बदलता है तो कभी कभी आपको पेट में अचानक से कड़कपन फील हो सकता है, साथ में आपको रुक रुक कर पेन भी हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए होगा पेन और अपने आप ही सही हो जाएगा, अगर आप रेस्ट कर लेती हैं या अपनी पोजीशन चेंज कर लेती हैं तो पेन सही हो जाएगा, या फिर हो सकता है ये पेन थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम तक बना रहे, तो ऐसे में आप आराम कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए कि जब आपको 8वें 9वें महीने में अगर आपको पेट कड़क होने लगा है और बार बार आपको थोड़े थोड़े पेन आने लगे हैं तो इनको फॉल्स लिवर पेन बोलते हैं। तो ऐसे में 30-40 मिनट वॉक आपको डेली करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में अपनी पोजिशन चेंज करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो उसको अपनी पोजिशन को चेंज करने में स्पेस मिले पेट में, जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजिशन में आ पाए। तो इसके लिए आपको भी उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। आपको सिर्फ यही करना है कि 8वें महीने के लास्ट में और 9वें महीने में आपको वॉकिंग ज्यादा करनी है। 30 मिनट की वॉक अगर आप हो सके तो दोनों टाइम जरूर करें। तो बस जब ऐसा कुछ हो रहा है 8वें 9वें महीने में तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी पेट कड़क हो जाता है, अपने आप से सही हो जाता है, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके साथ अगर 8वें 9वें महीने में पेट कड़क होने के साथ, जैसे आपको मैंने 7 मंथ में बताया कि अगर आपको पेट कड़क होने के साथ ज्यादा पेन बार बार आ रहा है, 1 घंटे में 3 से 4 बार अगर आपको पेन आ रहे हैं और वाटर लीकेज अगर आपको फील हो रहा है या ब्लीडिंग सिर्फ आपको लग रही है, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, चाहे आपका 7वां महीना हो, 8वां महीना हो या 9वां महीना हो, ठीक है, क्योंकि ये डिलीवरी का सिम्टम होता है। ऐसे में आपको घर में वेट नहीं करना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लेती हूँ आप सबसे विदा। देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।